हमारे सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें, साथ ही साथ नए अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन या बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। मोरको डिवाइस का आरडी रजिस्ट्रेशन, आरडी रजिस्ट्रेशन तो एक्चुअली कंपनी देती है, संस्था जहाँ से हमने मोरको का डिवाइस खरीदा है, या यूँ कह दें कि मोरको मैन्युफैक्चर कंपनी ही आरडी रजिस्ट्रेशन देती है, लेकिन जहाँ से हमने खरीदा है वो बाई डिफॉल्ट आजकल वर्तमान समय में आरडी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं या नहीं है, तो वो लोग उनको आरडी का आरडी रजिस्ट्रेशन लेना होगा ऑनलाइन। लेकिन आरडी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी ये डिवाइस कॉन्फिगर नहीं होता है, तो आखिर हम किस प्रकार से इसको कॉन्फिगर करें और किस प्रकार का से इसका यूज़ करें। खासतौर पर इसकी आवश्यकता लगती है एमपी कृषि यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जो इसकी वेबसाइट है उस पर, यदि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, जिससे ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलता है, आपके और भी अन्य कृषि यंत्र हो गए उन पर सभी पर सब्सिडी मिलता है, तो उस सब्सिडी के लिए फॉर्म सबमिट करना होता है और फॉर्म वर्तमान समय में ई केवाईसी के माध्यम से ही हो रहे हैं, यानी आपको आपके आधार नंबर डालने होंगे और वो वेरीफाई होगा तब जाकर के फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पर एक समस्या आ रही है, मेजर प्रॉब्लम है कि आपके पास मोरको डिवाइस है और आईडी रजिस्ट्रेशन भी, लेकिन वो फिर भी कॉन्फिगर नहीं हो पा रहा है, यानी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे सभी जो क्योस्क हैं या ऐसे लोग जो खुद ही अपने सिस्टम पर ये डालना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है कि किस प्रकार से आप खुद ही उसको वेरीफाई कर पाएँ या कॉन्फिगर कर पाएँ। आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर पाएँ। इसका यूज़ बहुत सारी साइड है, यदि जैसे उदाहरण के तौर पर, एक तो हमने एमपी कृषि यांत्रिकी की बात की, वहीं पर डीजी पे जो यूज़ कर रहे हैं और उनको भी मोरको में प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। मोरको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास मोरको डिवाइस होना चाहिए, इसके साथ में इसका ड्राइवर फाइल है। ड्राइवर फाइल जो होगा, जिसका सेटअप है, वो मोरको कंपनी की साइट पर दे रखा है, लेकिन इसका 5.1 वर्जन ज़्यादा बेटर है। इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो सेटअप है उसे हम रन करते हैं। कंप्यूटर में मेरे पास माई कंप्यूटर में मेरे पास डाउनलोड के अंतर्गत, शेयर इट के अंतर्गत ये मेरे पास सेटअप फाइल है। तो आपको क्या करना है कि सेटअप को रन करना है। जैसे आप इसे रन करेंगे, यस करेंगे, ये इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करते हुए आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसको चेक करने के लिए आप जाइए कंट्रोल पैनल में। अभी मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। कंट्रोल पैनल में आपको जाना है प्रोग्राम एंड फ्यूचर के अंतर्गत। यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर चेक कर लीजिए मोरको। ये मोरको आरडी सर्विसेज वर्जन 2.01.15, ये वर्जन आपके इसमें होना चाहिए। इसके साथ में मोरको स्मार्ट यूएसबी 64-bit ड्राइवर, ये दोनों ही आपके पास होना चाहिए। आपका यदि सिस्टम विंडोज 32-bit है तो 32-bit होगा, और यदि 64-bit है तो 64। ये विंडोज़ 7 उसके बाद के सभी वर्जनों में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर शायद आप चाहे आपके पास विंडोज़ 7 हो, 8 हो या 10 हो, एक्सपी में ये नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिए। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद सेकेंडरी जो आपको करना है सेटिंग, वो ये करना है कि आपको स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करना है सर्विसेज। ये सर्विस आ जाएगा, इस सर्विस में जाना है और यहाँ पर एक सेटिंग करना है, जो भी प्रोग्राम फाइलें हैं, एग्जीक्यूशन फाइलें हैं, इनमें मोरको को सर्च करना है। यहाँ पे मोरको आरडी सर्विसेज आ जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये मैनुअल रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पर जाना है। प्रॉपर्टी पर जाकर के जो मैनुअल है उसको कर दीजिए आप ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, अप्लाई करें, ओके करें। इसके बाद ये रनिंग अवस्था में आ जाएगा, ऑटोमेटिक रन होगा। इसके साथ ही साथ एक और काम करना है, आपको रीस्टार्ट को क्लिक करना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जब रीस्टार्ट को क्लिक कर रहे हो, तब आपका बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो यूएसबी से निकाल दिया गया, यानी प्लग ऑफ कर दें, आप उसको निकाल दीजिए। ये बात विशेष ध्यान रखें। मैं बात फिर से एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब रीस्टार्ट कर रहे हो, तब मोरको जो लगा हुआ है उसे आप अपने यूएसबी पोर्ट से निकाल दीजिए। इसके बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। लेकिन कुछ समस्या यहाँ पे आ रही है, वो ये समस्या आ रही है कि इसके बावजूद भी टेस्ट फाइल यहाँ पर रन नहीं करता है।
तो उसका कहीं ना कहीं कारण रहता है आपका सिस्टम का डेड टाइम। यदि आपका सिस्टम का डेड टाइम गलत है, सिस्टम में डेट ठीक सेट नहीं है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे जाती है। क्योंकि आईडी क्या करता है कि आपके सिस्टम का डेट और वर्तमान जो जीएमटी टाइम है उससे सेट करता है और देखता है कि ये टाइम और सिस्टम का टाइम दोनों मैच करता है, तो ही आपको आरडी परफॉर्म करेगा, नहीं तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर चेंज टाइम जोन में जाकर के जो आपका अपना इंडिया का टाइम है +5:30 वो आप सिलेक्ट कर लीजिए न्यू दिल्ली, ये सेट होना चाहिए। साथ ही साथ AM PM का भी आप ध्यान रखें, आपका जो टाइम है उसमें AM PM भी निर्धारित होना चाहिए। यदि आप यानी सही निर्धारित होना चाहिए, भले ही वो एम में बैठे हो या PM में, यानी सही नहीं होगा। जैसे PM चल रहा है और आपके सिस्टम में AM सेट है तो वो भी गलत है। यानी ये दोनों सेट करने के बाद अब आपको एक और सेटिंग करना है, रिस्टार्ट कर लेना है यहाँ पर सिस्टम को। मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चालू है और हम इसको समझ रहे हैं, हमारे हमारे सिस्टम में पहले से ही ये इंस्टॉल है, तो आपको रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद मोर्फो को प्लग इन करना है USB पर। अब यहाँ पर भी आपको डिवाइस मैनेजर में भी एक चीज़ चेक करना है। तो डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल पैनल से ही डिवाइस मैनेजर को क्लिक करिए, जिससे डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा, या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी पर जाइए, वहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर मिल जाएगा। यहाँ पर आप USB में ये कन्फर्म कर लिए कि जो डिवाइस आपने लगाया वो कन्फर्म हो गया, फिर ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। यदि हो चुके हैं तो यहाँ पर येलो सिंबल से नहीं बनेगा, यानी इस प्रकार से ये सिंबल आएगा। यदि यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल बनता है, ये येलो कलर का सिंबल यदि मोर्फो पे बनता है, यानी आपका ड्राइवर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब इंस्टॉल हो चुका है और आपने सिस्टम रिस्टार्ट भी कर लिया है, इसके बाद यदि आपका सब कुछ ठीक से सेट है तो आपका मोर्फो डिवाइस काम करने लगेगा। इसके लिए हम एक टेस्टेड फाइल भी इस फाइल के साथ में लिंक देंगे। ये टेस्टेड फाइल हमारे पास है, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और इसको ओपन कीजिए गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम भी आप अपडेट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस इसके बाद आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। RD रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज जनरेट होगा और इस मैसेज में पॉपअप में आ रहा है RD सर्विस स्टेटस रेडी। यदि यहाँ पर नॉट रेडी आ रहा है, इसका मीन है कि आपकी डिवाइस कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिगर नहीं हुआ है, और यदि रेडी आया मतलब कॉन्फिगर हो चुका है। अब यदि आप कैप्चर को क्लिक करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो यहाँ पर अपडेट होगा और उसमें रेड कलर की लाइट जलने लगेगी। हम उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार का कॉन्फ़िगर होगा यहाँ पर। ये हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस है और ये अभी USB से कनेक्ट है, इसी सिस्टम से जिस सिस्टम पर हम आपको ये सारी प्रोसेस बता रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये कैप्चर का ऑप्शन है, हम इसको कैप्चर को क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, रेडी होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लिंक होगा, और ब्लिंक हुआ इसके बाद यदि आप आपका थंब इम्प्रेस यहाँ पे रखेंगे तो ये कॉन्फ़िगर करेगा। ये कॉन्फ़िगर मैसेज हमारे इसमें आ चुका है, आप इस पे देख पा रहे हैं। यदि इस प्रकार से मैसेज कोड आया है, यानी आपका बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आप MPFST की साइट पर, जो कृषि उद्याने की और कृषि यांत्रिकी दोनों साइड हैं, उन दोनों साइडों पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एक और चीज़ है कि यहाँ पर यदि आप इसको प्रॉपर चेक करना चाहते हैं कृषि यांत्रिकी की साइट पर, तो उसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि MPFST की जो कृषि यांत्रिकी की साइट है वो उसका जो शेड्यूल रहता है उसी दिनांक को वो ओपन होती है, और बहुत कम समय में ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको पहले ही आपका सिस्टम अपडेट करके रखना होगा। तो हम चाहते हैं कि उसे कन्फिगर कर लें, एक बार और देखना चाहते हैं। तो एक और हमारे पास प्रोसेस है, उसको हम देखते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल पर MPFST। यहाँ पर ये उद्यानिक विभाग का लिंक आ जाएगा, इसे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये साइट उद्यानिक विभाग की साइट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिंक देगा, और इसमें eKYC को आप सेलेक्ट कीजिए। मॉर्फो डिवाइस आपके पास है तो मॉर्फो निदगेन की है तो वो, अभी हम मॉर्फो की बात कर रहे हैं तो मॉर्फो। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना होगा।
हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने और अपना आधा नंबर डाला है और यहाँ पर हम कैप्चर को क्लिक करते हैं। हमारा बायोमेट्रिक यहाँ पे चालू हो चुका है, यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बायोमेट्रिक चालू है। अब यहाँ पर हम फिंगर पुट करते हैं, ये प्रोसेस हो रही है और हमारा डेटाबेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो चुका है, यानी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि हमारा बायोमेट्रिक चालू है। इस प्रकार से आप उद्यानिकी विभाग पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ MPFHT की साइट पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बावजूद हो सकता है कि एक और आप इसके बावजूद भी यदि रेडी नहीं बताता है आपका डिवाइस, तो एक और डेटाबेस आपको यहाँ पर चेक करना होगा और वो होगा, वो भी हम देख लेते हैं क्या करना होगा। आप जाइए माई कंप्यूटर में सी में, यहाँ पर मोरफो RD सर्विसेज सॉफ्टवेयर को क्लिक कीजिए और कॉन्फिगर सेटिंग में जाइए और यहाँ पर एक कोड को आप चेंज करना होगा, वो है RD सर्विसेज लॉक, ये 0 होगा आपके सिस्टम में, तो इसको 1 कर दीजिए और इसको सेव करके छोड़ दीजिए। इसके बाद 100% है कि आपका सिस्टम यदि अपडेट है तो आपके पास बायोमेट्रिक चालू हो जाएगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यदि